नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पालनहार योजना से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे कि हम अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को या अन्य बच्चों को पालनहार की योजना का लाभ हम किस प्रकार से दिलवा सकते हैं। यह एक प्रकार की छात्रवृत्ति होती है जो बच्चे के पालन पोषण के लिए उनके अभिभावकों को या फिर उनके जो संरक्षक हैं उनको दी जाती है। दोस्तों, पालनहार योजना पर एक विस्तृत वीडियो पहले इस चैनल पर बना दिया गया है। अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो एक बार आप जाकर वो वीडियो भी अवश्य देख लें। आइए पालनहार योजना पर मुख्य मुख्य बातों पर हम चर्चा करते हैं। पालनहार योजना जो है, यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए हैं। इसके तहत बालक बालिकाओं की देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई बहन के द्वारा किया जाता है। बालक बालिकाओं की देखभाल करने वाले को पालनहार कहा जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है बच्चे के माता पिता गुजर जाते हैं या माता या पिता गुजर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनके कोई संरक्षक होते हैं, वयस्क भाई बहन या फिर उनके कोई रिश्तेदार अगर बच्चे को पाल रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो वो पालनहार कहलाएंगे और ये योजना उन्हीं लोगों के लिए है। इस योजना में बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बालक बालिका की श्रेणी और श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर बच्चा अनाथ है, यानी कि माता पिता दोनों ही नहीं है, तो माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति हमको लगानी होगी। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, यदि किसी बच्चे के माता पिता को आजीवन कारावास हो चुका है तो उसके जो दंड आदेश की जो प्रति है वो हमें लगानी होगी। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे, उसके लिए विधवा पेंशन भुगतान आदेश PPO नंबर देने होंगे। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। HIV/AIDS पीड़ित माता पिता के बच्चे, NIT सेंटर द्वारा जारी AID डायरी या ग्रीन कार्ड की प्रति हमें संलग्न करनी होगी। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति। नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने पर प्रमाण पत्र ये देना होगा। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे 40% या अधिक निःशक्त हैं तो उसके जो प्रमाण पत्र होगा उसकी 1 प्रति हमको देनी होगी। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश जो PPO नंबर होते हैं वो हमें देने होंगे। पालनहार द्वारा जमा करवाए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं? एक तो पालनहार का भामाशाह कार्ड, पालनहार का आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, जो आय है वो 1,20,000 से ज़्यादा वार्षिक नहीं होनी चाहिए, तभी पालनहार योजना का लाभ मिलता है। पालनहार के BPL, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारक अथवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने एवं भामाशाह में इसकी सूचना अंकित होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए वो BPL या अंत्योदय या आस्था कार्ड धारक है और पेंशन प्राप्त कर रहा है और भामाशाह में इसकी सूचना भी अंकित है, तो उसको अलग से आय प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, ये उसी वही बात है। अगर उक्त में से अगर उसने सूचना अंकित करवा रखी है तो पुनः प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण, विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, ये अगर बच्चा छोटा है तो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा होना चाहिए, अगर बच्चा बड़ा है तो वो किसी विद्यालय में पढ़ रहा होगा तो उसका अध्ययन प्रमाण पत्र हमें बच्चे को देना होगा। अगर बच्चा सरकारी में है तो उसके लिए शाला दर्पण पोर्टल होता है, अगर बच्चा प्राइवेट में तो प्राइवेट की स्थिति में प्राइवेट का पोर्टल होता है, वहाँ पर पालनहार योजना के अंतर्गत हम उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या ऑनलाइन सत्यापन अगर हो गया है तो विद्यालय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। जो पोर्टल होगा विद्यार्थी का,
उसमें जो सारी डिटेल्स होंगी वो फिल होनी चाहिए और आधार कार्ड नंबर अपडेट होने चाहिए। इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार हम बच्चे के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, भामाशाह नंबर को अपडेट करते हैं। अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडित किए गए हों अथवा विधवा माता के विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपने संतानों को त्याग दिया हो, के लिए उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति करवाई जानी है। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो। अब इस अनुदान की राशि कितनी होती है और शर्तें क्या क्या होती हैं। 0 से अगर 3 वर्ष का बच्चा है तो 500 रुपये प्रति माह उसको मिलेंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी या शाला में पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। 3 से 6 वर्ष का है तो 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी या शाला में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अगर बच्चा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का है तो 1000 रुपये प्रति माह, और बालक अगर पढ़ रहा है तो संस्थान में जाने का प्रमाण पत्र उसको अनिवार्य रूप से देना होगा, और 2000 रुपये वार्षिक एक अतिरिक्त एक मुफ्त दे, ये 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। विधवा पालनहार व नाता पालनहार में ये देय नहीं होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो पालनहार योजना है ये 0 से 18 वर्ष तक की होती है। 18 वर्ष से आगे किसी विशेष केस में ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। पालनहार का वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। पालनहार एवं बच्चे कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हों, और कम से कम उनका जो मूल निवास है उसमें कम से कम जो 3 वर्ष हैं राजस्थान में वो निवास करते रहने चाहिए। अब इसके लिए आवेदन किस प्रकार करना है, ई मित्र के द्वारा भी हम कर सकते हैं और पालनहार की साइट पर जाकर स्वयं भी कर सकते हैं। संबंधित ब्लॉक, जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संपर्क भी कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें हैं, नोट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण या विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रतिमाह जुलाई में अपडेट करवाना होता है ई मित्र पर जाकर, तभी वो राशि मिलती है, अन्यथा उसको रोक दी जाती है। एक और दे रखा है कि पालनहार का भामाशाह कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है, अतः पालनहार को भामाशाह कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पालनहार का मोबाइल नंबर भामाशाह में दर्ज नहीं होने या फिर मोबाइल खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो व्यक्तिगत सूचना अगर कोई भी है तो उसको भामाशाह को अपडेट करवाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अगर जब हम अपडेट करवाते हैं तो बच्चे के आधार नंबर की आवश्यकता होती है और आधार नंबर के माध्यम से एक OTP आता है। अगर बच्चे के आधार नंबर में, मोबाइल नंबर, नाम पते में कोई त्रुटि है तो सबसे पहले हमें आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य मुख्य बातें थी पालनहार योजना से संबंधित। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा इस योजना के पात्र है तो उसको पालनहार योजना का लाभ अवश्य दिलवाएं। हमारी थोड़ी सी मेहनत किसी का भविष्य संवार सकती है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।